सो फ्रेंड्स, गेम को डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको कोई से भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और वहां पे जाके आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। तो ये वेबसाइट सर्च होने के बाद आपको इसकी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इतना हो जाने के बाद आपको इस वेबसाइट का ऊपर सर्च बटन दिखेगा, इसमें आपको गेम का नाम टाइप कर देना है जो आज हम डाउनलोड करने वाले हैं। इतना करने के बाद आपको गेम्स के कई वर्जन दिखाई देंगे, तो आपको अब कौन सा सिलेक्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको उस गेम को सिलेक्ट करना है जिसमें केवल गेम का ही नाम लिखा हो। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, पहले वाले वर्जन में ही यहाँ पे केवल गेम का नाम लिखा है, बाकी वालों में यूरोप, जापान, यूएसए लाइक कुछ इस तरीके के लिखे होंगे। तो आप चाहे तो यूएसए वाला कर सकते हैं या फिर गेम का नाम जिसमें अकेला लिखा हो आप उसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले वाले को क्लिक कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे अगर ऐड वगैरह आता है तो आप उसे क्लोज करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर जब आप नीचे जाएंगे, तब नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक बटन मिलेगा जिस पे लिखा होगा डाउनलोड द गेम डायरेक्ट, यानी कि ये बीच वाले बटन पे आपको टैप करना है। इस बटन पर टैप करते ही आप आगे पेज पर पहुँच जाएंगे। फिर आगे वाले पेज पे आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिख के आएगा योर डाउनलोड इज अबाउट टू बिगन, यानी कि आपका गेम बस डाउनलोड होना शुरू हो रहा है। तो अगर आपके डिवाइस में ये गेम ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है डाउनलोड होना, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका गेम डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। बट मेरे डिवाइस में ऐसा नहीं होता, तो मैं यहाँ पे नीचे ग्रीन बटन पे क्लिक हियर जो बटन है मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे मेरा जो गेम है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए इसके आगे की प्रोसेस को हम देखते हैं। तो गेम को डाउनलोड कर लेने के बाद आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है ZR Kyber। उसे डाउनलोड कर लेने के बाद आपको उसे ओपन करना है। अब ये एक फाइल मैनेजर की तरह दिखाई देता है, तो इसमें आपको आपके गेम की फाइल को लोकेट करना है, यानी कि आपने गेम को कहाँ डाउनलोड किया है। तो बेसिकली जब अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपके डाउनलोड के फोल्डर में आती है, तो आप उसे वहाँ पर लोकेट कर सकते हैं। बट मैंने उसे एक अलग से फोल्डर में सेपरेट करके रखा हुआ है। तो जैसे ही आपका गेम आपको मिल जाए, आपको करना क्या है कि इस पर आपको एक बार टैप करना है, देन एक्सट्रैक्ट हियर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आप देखेंगे कि एक एक्सट्रैक्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे एक ये लोडिंग होती है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इसके अंदर की जो फाइल आने वाली है वही हमारा मेन गेम है जिसे हम आगे इस वीडियो में यूज़ करेंगे, यानी कि जिससे हम गेम को प्ले करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस गेम की एक ISO फाइल निकल के आ चुकी है जिसका साइज लगभग पहले वाली फाइल के बराबर ही है। तो अब आप चाहें तो नीचे वाली zip फाइल जो हमने पहले डाउनलोड की थी आप उसे डिलीट कर सकते हैं, बिकॉज अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आपको करना क्या है कि आपको एक और एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम PPSSPP Emulator है। तो आप इसे भी प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर उसे डाउनलोड कर लेने के बाद उसे ओपन कीजिए। तो आप देखेंगे कि PPSSPP को ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो आपको मालूम है कि हमने गेम को कहाँ पर डाउनलोड किया है। जैसे कि मैंने इस फोल्डर को ओपन किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे गेम का आइकन आ रहा है और हमने यहाँ पे गेम को लोकेट कर लिया है। तो जैसे ही हम इस गेम के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका गेम सक्सेसफुली लॉन्च्ड हो जाएगा। अगर आप इस गेम को गेम पैड या फिर Xbox 360 कंट्रोलर से खेलना चाहते हैं, यानी कि रिमोट लगा के खेलना चाहते हैं अगर ऐसा कहें तो मैंने दोनों के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई है। मैंने उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मैंने उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप उसे भी चेक कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कंट्रोलर से कनेक्ट करके आप इस गेम को कितना ही अच्छे से खेल सकते हैं। तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा इस गेम को इस तरीके से प्ले करके। तो उम्मीद है दोस्तों आज का गेम तो आपको पसंद आया होगा। अगर आप कंट्रोलर से खेलना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को भी देखिए। वैसे आप नॉर्मल अपने मोबाइल से ही आपको ये जो बटन्स दिखाई दे रहे हैं इससे भी आप प्ले कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में आप और भी नई वीडियोस को देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Get ready for the next battle.
Round one. Fight. You win. Round two. Fight. Get ready for the next battle. Round one. Fight!